हेलो दोस्तों, एक बार फिर तो तुहाडा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अज की इस वीडियो दे विच आपां एक ईटीटी पेपर टू क्रैश कोर्स स्टार्ट करन जा रहे हैं, जिस विच ईटीटी दे सिलेबस दे विच जो भी सबजैक्ट मैनशन ने जिवें पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, ये सारे सबजैक्ट जो है कवर करवाए जाएंगे जस्ट 999 दे विच। जस्ट 999 दे विच ये क्रैश कोर्स जो है ईटीटी पेपर 2 दे लई स्टार्ट होने जा रहा है। इस दे बारे अगे डिटेल दे विच चर्चा करांगे की इन दे विच जो है मैं प्रोवाइड करवावांगा क्रैश कोर्स दे विच। सो उस तो पहला तुहाडे लई जो जरूरी इनफॉर्मेशन है वह मैं दे दिना। सो वीडियो नू शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखियो। अगर कोई भी बंदा ईटीटी पेपर की तैयारी कर रहा है उस दे लई ये सब तो घट जो है फीस दे विच कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अदरवाइज तुसी अकैडमीज़ दे विच पुछा होएगा उत्थे 10 तो लैके 12,000 जो है फीस ली जा रही है। जस्ट 999 दे विच ये कोर्स जो है सब नू प्रोवाइड करवाया जाएगा और इन दे विच ऑल सबजैक्ट जो आ ईटीटी दे वो सारे कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, सिलेबस दे अकॉर्डिंग ये सारे सबजैक्ट जो है कवर करवाए जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं की होएगा कोर्स दे विच। क्रैश कोर्स जो है 9 अगस्त 2021 नू स्टार्ट हो जाएगा। ज्वाइन करन दे लई तुहानू फोन पे, गूगल पे और एमाजोन पे तो पेमेंट करनी पएगी और पेमेंट करन तो बाद मैनू स्क्रीनशॉट जो है सेंड करना पएगा और फीस चार्जेस जो होंगे जस्ट 999 फीस चार्जेस होंगे और कोर्स जो स्टार्ट होएगा 9 अगस्त 2021 तो। ठीक है, इस तो बाद देखते हैं जेकर तुसी जीके पार्ट जीके दे विच की आ जाता है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और मैथ दी क्लास लगानी चाहते हो तो वो लोग भी इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपां सबनू पता है जीके का जो पार्ट है वो पंजाब दे हरेक एग्जाम दे विच पुछा ही जाता है। जिवें एनटीटी का पेपर देख लो, पंजाब पुलिस दे पेपर देख लो, पंजाब पटवारी का देख लो, उन्हां सब दे विच की है जीके और मैथ जो है वो अपने लिए कंपलसरी हुंदा है। ठीक है, इसलिए अगर तुसी पंजाब पुलिस और एनटीटी दे पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स तुसी भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एक होर इनफॉर्मेशन है, क्लासेस जो होणगियां सिर्फ जूम ऐप ते लगणगियां। जो भी क्रैश कोर्सेज दियां क्लासेस होणगियां जूम ऐप ते लगणगियां और इन्हां दी वीडियो जो है यूट्यूब ते अपलोड नहीं होएगी। ठीक है, प्राइवेट क्लासेस होणगियां, जो भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करेगा सिर्फ ओही ये मीटिंग नू अटेंड कर पाएगा। सो हरी अप, ज्वाइन करने लिए बहुत घट मिनिमम फीस दे विच तुसी ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी नू भी कोई डाउट होएगा जां कोई क्वेश्चन होएगा क्रैश कोर्स नू लैके या फीस पे किवें करनी है, किहड़े नंबर ते फीस पेमेंट करनी है, उस दे लई तुसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच एक तुहानू व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और एक टैलीग्राम ग्रुप लिंक दिता जाएगा। उस दे विच जो भी एडमिन होएगा वह मैं ही हाँ, उस नू तुसी पुछ सकते हो कि फीस पेमेंट किवें करनी है। ठीक है, ग्रुप लिंक दे उपर क्लिक करो और ग्रुप नू ज्वाइन कर लो। तुसी व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टैली ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप और टैली दोनों ग्रुप जो है होणगे उत्थे, सो तुसी दोनों विचों कोई भी एक ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो। इस तो इलावा आपां गल करदे हां की कवर करवाया जाएगा इस क्रैश कोर्स दे विच विच। ठीक है, सब तो पहला आपां गल करदे हां सिलेबस की। ईटीटी दे लई जो 635 पोस्ट आई हैं उन्हां दे विच की सिलेबस है और किन्ने मार्क्स दा, 100 मार्क्स का पेपर होएगा। जिन्होंने पहला पेपर दिता उन्होंने पता है कि 100 मार्क्स का पेपर सी और टाइमिंग जो सी 100 मिनट सी, ना कि 120 मिनट। बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूजन रह गए कि 2 घंटे की टाइमिंग है, लेकिन जो टाइमिंग है वो सिर्फ 100 मिनट की है। 100 मिनट के विच ही तुहानू जो कि है 100 क्वेश्चन करने पैणगे। सो सिलेबस ते नज़र मारदे हां सिलेबस दे विच की होएगा और क्रैश कोर्स दे विच वह सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। तुसी बाकी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन्हां दे नाल ए जो है मैच करके देख लियो कि ये सिलेबस मैच हो रहा है तो तुसी ए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सब तो पहला आपां गल करदे आं पंजाबी दी। पंजाबी सब नू पता है कि 15 मार्क्स की पंजाबी आएगी, पंजाबी लैंग्वेज, उस दे विच की क्वेश्चन आणगे, पंजाबी सभ्याचार। सब नू पता है पंजाबी सभ्याचार दे उपर पिछले पेपर दे विच काफ़ी सारे क्वेश्चन पुछे गए सी। इस तों इलावा पंजाबी भाषा, उपभाषा, व्याकरण मतलब ग्रामर, ध्वनि बोध, शब्द बोध, अर्थ बोध और वाक बोध, इन्हां उपर भी क्वेश्चन पुछे जाणगे। इस तों इलावा विश्राम चिन्ह, मुहावरे, अखाण, पंजाबी साहित और इसका लैवल की होएगा
12 12वीं क्लास तक 12th क्लास तक इसका लैवल होएगा, तुहानू पंजाबी जो है 12वीं क्लास तक पढ़नी पएगी, 10वीं तक पढ़न नाल काम नहीं चलेगा। नैक्सट देखते हैं हिंदी, हिंदी भी जो है वह 15 मार्क्स की आएगी। इस दे विच की आएगा, भाषा लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, विकारी शब्द जिस विच संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और किरिया, इस तो इलावा अविकारी शब्द जिस विच क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मय बोधक, इस तो इलावा प्रायवाची शब्द, नाल ही तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थ शब्द, विलोम शब्द, विलोम मतलब विरोधी शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, कोई शब्द दिता होएगा तुसी उसनू शुद्ध रूप में लिखना होएगा, या कोई वाक दिता होएगा उन्हां विचों शुद्ध वाक चुनना होएगा। इस तों इलावा मुहावरे और लुकोकतियाँ जो पंजाबी दे सिलेबस दे विच भी ने। इस तों इलावा पंजाबी से हिंदी में अनुवाद जो पिछले पेपर दे विच नहीं पूछा गया सी लेकिन हुण पूछण दे चांसिस ने, ठीक है। और इस दा लैवल की होएगा, 10th लैवल, 10वीं लैवल तक हिंदी पूछी जाएगी, ना कि 12वीं तक। पंजाबी सिर्फ 12वीं लैवल तक पूछी जाएगी, हिंदी 10th लैवल तक ही पूछी जाएगी। इस तो बाद देखते हैं थर्ड लैंग्वेज, इंग्लिश। इंग्लिश भी 15 मार्क्स की आएगी। इन दे विच की आएगा, कंप्रीहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज जो पिछले पेपर दे विच नहीं पूछा गया सी। इस तो इलावा ग्रामर आएगी, वोकैब आएगी और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी नहीं पूछी गई सी पिछले पेपर दे विच, एक अद्धा क्वेश्चन आया सी। और इंग्लिश दा जो लैवल होएगा वह भी 12th लैवल होएगा, सेम पंजाबी लैवल, पंजाबी लैवल जिन्ना ही लैवल होएगा इंग्लिश दा। 12th लैवल तक तुहानू इंग्लिश जो है ग्रामर पढ़नी पएगी, हिंदी सिर्फ जो है 10th लैवल तक पढ़नी पएगी। सो ए हो गई लैंग्वेज, लैंग्वेज तीनों जो है 15 मार्क्स दी आनगियां, हिंदी भी 15 मार्क्स दी, पंजाबी भी 15 मार्क्स दी और इंग्लिश भी 15 मार्क्स दी, ठीक है। ये 45 मार्क्स दी लैंग्वेज ही आनगियां। इस तो बाद गल करते हैं मैथ, जो पिछली बारी 20 नंबर का आया सी, हुण भी 20 मार्क्स का आएगा। सब तो डिफिकल्ट पार्ट जो सी मैथ ही सी, इस तो इलावा साइंस भी डिफिकल्ट सी। मैथ दे विच सिलेबस देख लेने हैं की आएगा। सब तो पहला संख्या प्रणाली मतलब नंबर सिस्टम, इस तो इलावा वास्तविक संख्यावां मतलब रीयल नंबर, बहुपदियाँ, दो चलां विच रेखा समीकरण, समीकरणों के जोड़े बारे पूछा जा सकता है, दो घाती समीकरण, अंकगणितक लड़ियाँ, यूकलिड जमायती मतलब ज्योमेट्री, रेखावां अते कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज अते चक्कर, इस उपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तो इलावा मैथ दा होर की पूछा जाएगा, चतुर्भुज अते त्रिभुज दा खेत्रफल, निर्देश अते अंक जमायती, तिकोण अते इस दे उपयोग, रचनावां, हीरो दा सूत्र, चक्कर नाल संबंधित खेत्रफल, ठीक है, और अंकड़ा विज्ञान, और इस तो इलावा प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। मैथ दा जो लैवल होएगा और 10th लैवल तक होएगा, ठीक है। मैथ तुसी सिर्फ 10th लैवल तक ही करना है। इस तो बाद देखते हैं जनरल साइंस मतलब साइंस विज्ञान, विज्ञान भी जो है 20 मार्क्स की आएगी, मैथ की तरह 20 मार्क्स का है ये भी टॉपिक। सब तो पहला देखते हैं साइंस दे विच केड़े केड़े टॉपिक इन्होंने दसे हुए हैं, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रैविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन मतलब प्रकाश बारे जो भी सिद्धांत आ उन्होंने पढ़ांगे, इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस तो इलावा चुंबक बारे, सोर्स ऑफ एनर्जी बारे, एनर्जी दे की स्रोत ने, और इस तो इलावा मैटर इन आवर सराउंडिंग जो भी धातां आधातां अपने आले दुआले दे विच पाईआं जांदियां उस दे बारे, एटम एंड मोलीक्यूल्स दे बारे, कैमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पिछली बारी ये टॉपिक दे उपर बहुत सारे क्वेश्चन आए सी स्पैशली कमिस्ट्री नूं लैके, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, मैटल एंड नॉन मैटल, कार्बन एंड इट्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। ये सारे जो आ साइंस का टॉपिक है, ठीक है। सो हुण जो चांसिस आ साइंस दे जो है कमिस्ट्री दे उपर क्वेश्चन इन्ने नहीं आणगे क्योंकि पिछली बारी कमिस्ट्री दे उपर इन्ने सारे क्वेश्चन पूछ ले सी। सो सारयां नूं हुण ये लग रहा कि कमिस्ट्री उपर ही क्वेश्चन आणगे, लेकिन इदां नहीं होएगा। जो एग्जामिनर हुंदे आ, जो एग्जाम सैटर हुंदे आ, वह पैटर्न अपना चेंज करते रहेंगे। सो कमिस्ट्री के नाल नाल फिजिक्स और बायोलॉजी भी पढ़ लियो। साइंस का लैवल जो होएगा वह 10th लैवल होएगा, ठीक है। सिर्फ पंजाबी और इंग्लिश का जो है वह लैवल है 12th, ठीक है। पंजाबी और इंग्लिश 12th लैवल तक पढ़ना है,
लेकिन बाकी जो सबजैक्ट है वो 10th लैवल तक ही पढ़ने हैं। लास्ट टॉपिक है सोशल साइंस, इन्दे विच बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, जियोग्राफी आ जाता है, पॉलिटी आ जाती है, हिस्टरी आ जाती है, इकनोमिक्स आ जाती है। ठीक है, सब तो पहला देखते हैं, ये 15 मार्क्स का आएगा। सब तो पहला देखते हैं सोशल साइंस का जियोलॉजी जियोग्राफी पार्ट, मतलब भूगोल। इस भारत के बारे आप जान पछाण देखेंगे, भारत के बारे जो उसकी स्थिति है, उस धरातल है, जलवायु है, उसकी कुदरती बनस्पति की है, जीव जंतु किवें दे आ, मिट्टी किवें दी आ, भूमि लई खेतीबाड़ी की वरतों किवें हुंदी है, किहड़े किहड़े खनिज पदार्थ भारत दे विच मिलते आ, इस तों इलावा एनर्जी सोर्सिज की ने, पोपूलेशन के बारे जो आंकड़े आ वो आप जाणांगे। ये जियोग्राफी का पार्ट है, ये भी तुसी 10th लैवल तक जो है पढ़नी है, वो मैं कवर करावांगा अगर तुसी क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो। इस तों बाद इकनोमिक्स का पार्ट आ जांदा है, जिसनों अर्थशास्त्र कहिंदे आ। इस दे विच इकनोमिक्स दियां मुढ़लियां धारनावां जिवें GDP NDP ये आप देखांगे। इस तों इलावा भारतीय अर्थव्यवस्था दे विच जो आर्थिक आधारक संरचना है उस दे बारे, एग्रीकल्चर दी जो डिवेलपमेंट हुई है जिस दे विच हरी क्रांति सफेद क्रांति, उस दे विच जो पंचवर्ष जीआं योजनावां ने, 5 साल योजनावां ने, स्टेट गवर्नमेंट ने की किया, सेंटर गवर्नमेंट ने किहड़े किहड़े लॉ बनाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट, इस तरह दियां रिपोर्ट बारे आप पढ़ांगे। इस तों इलावा इकनो उद्योगिक मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिए दे विच विकास होया है, डिवेलपमेंट हुई है, उस दे बारे आप देखांगे। इस तों इलावा नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र जो भी है ये भी 10th लैवल तक तुसी पढ़नी है। इस तों बाद नागरिक शास्त्र जिन्हों पोल्टी कहिंदे आ उस दे विच की पढ़ना है, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी की है, उसका अर्थ की है, उसके फीचर की ने, उसका महत्व की है, इंपोर्टेंस की है, आप देखांगे। संविधान की है, उस दे विच मौलिक अधिकारां दे बारे की चर्चा की गई है वो देखांगे। भारतीय संविधान दीआं विशेषतावां की ने, सेलिएंट फीचर की ने, सेंटर गवर्नमेंट की है उस दे बारे देखांगे, स्टेट गवर्नमेंट दे बारे देखांगे। ठीक है, इस तों इलावा भारत दी जो फॉरन पॉलिसी आ, UN दे नाल की रिलेशन आ, वो आप सारा कुछ देखांगे। 10th लैवल तक ये भी तुसी पढ़नी है। इस तों इलावा सार्क उपर क्वेश्चन आ सकदे आ, जो भी इंटरनेशनल बॉडीज़ ने उन्हां उपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिवें WTO, ठीक है, इस तरह के WHO जो अंतरराष्ट्रीय संगठन ने उन्हां उपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर गल करते हैं हिस्टरी दी, मतलब इतिहास दी। इतिहास विच बेसिकली जो है पंजाब का इतिहास बारे ज़्यादा चर्चा है, लेकिन तुहानू थोड़ी बहुत इंडियन हिस्टरी भी पढ़नी पएगी। हिस्टरी दे विच की पढ़ना पएगा, सब तो पहला तो आपां नूं पंजाब का भूगोलिक जो विशेषतावां ने और उसका इतिहास से की इफेक्ट पिया वह पढ़ना पएगा। इस तों इलावा गुरु नानक देव जी तो पहला, उन्होंने जन्मकाल तो पहला पंजाब की स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति की सी, समाजिक स्थिति की सी, औरतों की स्थिति की सी, वह सब इस देखांगे। फिर उस तों बाद आप देखांगे कि जो गुरु नानक देव जी का जन्म होया उस तों बाद स्थितियां किवें बदलियां, उन्हां दियां की सिक्ख्यावां सी वह देखांगे। फिर गुरु अंगद देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक आप देखांगे कि सिख धर्म दियां की जो है विशेषतावां रही, उन्हां दे योगदान की सी, खालसा पंथ की सिरजना किवें हुई, गुरु गोबिंद सिंह की शख्सियत की सी, ये आप हिस्टरी के पार्ट में कवर करांगे। इस तों इलावा आप देखांगे बंदा सिंह बहादुर के बारे और सिख मिसलों बारे। इस तों इलावा सिख मिसलों में जो है शुकर चक्किया मिसल सी, जिस दे विच रणजीत सिंह मोढ़ी सी, उस दे बारे जो है क्वेश्चन पूछे जाने के चांसिज आ। रणजीत सिंह सिलेबस दे विच भी दिता होया, उन्हां दे आपां जीवन बारे देखांगे, उन्हां दियां प्राप्तियां की सी, उन्हां दे नाल अंग्रेज़ां दे की संबंध सी। इस तों बाद देखांगे कि जदों रणजीत सिंह जी की मौत हुई उस तों बाद पंजाब दियां स्थितियां किवें बदलनियां शुरू होईयां, किवें पंजाब नूं अंग्रेज़ां ने कब्जे विच लिया, सिखां नाल किवें युद्ध होए दो, पंजाब दे उपर अंग्रेज़ां दा कब्जा किवें होया, उस तों बाद अंग्रेज़ां तों आज़ादी किवें प्राप्त कीती। पिछली वारी एक क्वेश्चन आया सी ना कि भगत सिंह नूं फांसी कित्थे होई, सो ये आज़ादी दे संघर्ष दी ही देण है पंजाब दे विच। ठीक है, हिस्टरी जो है वह भी 10th लैवल तक आएगी। सो ये सारा जो है सिलेबस क्रैश कोर्स दे विच तुहानूं कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर तुसीं क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तां लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दिते जाणगे, उन्हां नू ज्वाइन करके तुसीं क्वायरी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और 9 अगस्त नू जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, सीट जो है लिमिटेड होणगियां क्योंकि जूम मीटिंग दे विच जो है डाउट भी लैने हुंदे आ। सो इदां नहीं है कि अग्गा दौड़ पिछा चोड़ होएगा, सारा सिलेबस जो है क्लीयर करवाया जाएगा।
ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 13,000 ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10,000 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।